सभी का स्वागत करती हूँ। राखी पर हम सभी बाहर से घेवर की मिठाई ज़रूर लाते हैं, तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट घेवर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घेवर बनाने के कुछ खास टिप एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया जाली बनकर आई है। सभी घेवर दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट जालीदार तैयार हुए हैं हमारे। साथ ही शुगर सिरप कैसा होना चाहिए और रबड़ी कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। घेवर बनाने के लिए हमें क्रीम करना होता है घी को, तो यहाँ मैं एक बाउल में 1/3 कप घी डाल दूंगी। इसमें हम 8 से 10 आइस क्यूब्स के डालेंगे। इसे हम आइस क्यूब्स के साथ लगातार फेंटेंगे और आप देख पाएंगे कि ये एकदम क्रीमी सा होने लगा है। और ये करने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ही ये तैयार हो जाता है। ये देखिए कैसे ये एकदम क्रीमी सा हो रहा है। इसे अभी हम और थोड़ा फेंटेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि घेवर बनाने के लिए घी हमें पिघला हुआ ही लेना है, और जो अमाउंट मैंने आपको बताया है आपको उतना ही लेना है। अगर घी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो घेवर हमारे जिस बर्तन में हम बना रहे होंगे उसी में टूट जाएंगे, और अगर घी की क्वांटिटी कम रखेंगे तो घेवर काफ़ी कड़क तैयार होंगे। तो ये देखिए ये घी एकदम क्रीमी सा हो चुका है, तो इसमें से अब ये आइस क्यूब्स हम बाहर निकाल देंगे सारे। अब इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे हम। पहले यहाँ 1 कप मैदा ऐड करूँगी मैं, और इसी के साथ 1/4 कप दूध भी डाल दूँगी। दूध भी हमें एकदम ठंडा यूज़ करना है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें ये 2 कप मैदा भी ऐड कर देंगे और साथ ही डाल देंगे इसमें 2 छोटे चम्मच बेसन के। बेसन डालने से इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इन सभी को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ हमने एकदम ठंडा पानी लिया है, घेवर में ठंडे पानी का ही यूज़ होता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। अब इसमें हम ये 2 कप पानी का भी डाल देंगे। मैंने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक विस्क की सहायता से हम इस बैटर को तैयार करेंगे। तो इस प्रोसीजर को हाथ से ही पूरा कर सकते हैं, पर इस तरह से विस्क से ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो अब ये 1/3 कप पानी भी हम इसमें डाल देंगे। अगर पानी ठंडा नहीं होगा तो घी ऊपर तैरने लगेगा और बैटर हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम आसानी से इसे घर पर ही बना सकेंगे। तो यहाँ ये बैटर एकदम एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल गया है, कुछ भी अलग से नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, इसमें हम 1/2 कप पानी और डालेंगे। अब हम इसमें ये 1/2 नींबू का रस डालेंगे, इससे ये बैटर इसी तरह से बंधा रहेगा, ये अलग नहीं होगा। तो घेवर का बैटर बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको किसी कारण से ये बैटर रखना पड़े तो इसे फ्रिज में रखिएगा, और जब बनाना होगा तो इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो गैस पे हम एक भगोना रख देंगे। आज मैं आपको घेवर भगोने में बनाकर दिखाऊंगी। अब भगोने में मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी और साथ में ही हम डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो सिर्फ रिफाइंड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और ध्यान रखना है कि हमें घी या ऑयल जो भी हम डालेंगे वो हमारे भगोने के 1/2 से भी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि जब हम घेवर का बैटर डालते हैं तो वो ऊपर की ओर आता है। तो इस तरह से घी तेल बाहर आके आग लगने का भी डर रहता है। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, हम केयरफुल होकर काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। फिर इस तरह से बेलन या किसी वुडन स्टिक से इसमें बीच में जगह बनाते रहेंगे बैटर डालने के लिए। फिर से हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे इसमें। आप देख पा रहे होंगे कि बैटर डालते ही कैसे झाग बन के ये ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर डालना है इसमें। और एक बार बैटर डालने के बाद जब झाग नीचे की ओर बैठ जाए तब हम दूसरा स्पून बैटर इसमें डालेंगे।
अब एक चम्मच की सहायता से हम इस तरह से बीच में से ऑयल निकाल के इसे ऊपर से भी अच्छे से सेक लेंगे। जैसे ही ये सिकने लगता है ये आसानी से किनारे छोड़ने लगता है। तो अब एक बेलन लेके हम इसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसे इसी तरह से भगोने के ऊपर करके रखेंगे ताकि इसमें से ये जो तेज़ी से घी गिर रहा है वो बाहर ना गिरे। अब हम इसे निकाल के एक जाली के ऊपर इस तरह से रखेंगे ताकि बचा हुआ ऑयल घी भी इसमें से निकल जाए। तो इसी तरह से हम बाकी के घेवर भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा आखिरी घेवर भी बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसे भी जाली स्टैंड पे रख देती हूँ और अब हम चाशनी और रबड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे। अब हम इसमें 2 कप शुगर ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 1.25 कप पानी। इसे लगातार चलाते हुए हम चीनी को घुलने तक इसे पकाएंगे। यहाँ कुछ बूंदे हम नींबू के रस का डाल रहे हैं जिससे इसके अंदर की सारी इम्प्यूरिटी निकल जाएगी। तो चीनी यहाँ अच्छे से घुल चुकी है पर चाशनी अभी काफ़ी पतली है, तो इसे हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह से तैयार होने देंगे। तो चीनी को यहाँ पकते पकते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें कुछ केसर के थ्रेड डाल देंगे। यहाँ चाशनी को हमें गुलाब जामुन से थोड़ी सी गाढ़ी तैयार करनी है। तो ये चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हल्का हल्का सा तार बनने लगा है तो मैं गैस के फ्लेम को अब ऑफ कर दे रही हूँ और इसे एक हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम गैस पर एक और पैन रखेंगे और इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध को हम लगातार चलाते हुए 1/3 की क्वांटिटी होने तक पकाएंगे। आपको जल्दी रबड़ी तैयार करनी हो तो इस रबड़ी का 1/2 क्वांटिटी होने पर इसमें थोड़ा सा मावा या मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों चीज़ें इस समय अवेलेबल नहीं थी तो मैं इसे दूध को गाढ़ा करके ही तैयार करूँगी। दूध को हमें एक उबाल आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 40 to 45 मिनट्स के लिए तैयार करना है। यहाँ दूध की क्वांटिटी 1/3 हो चुकी है। अब हम इसमें 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को इसमें घुल जाने देंगे अच्छे से। 2-3 मिनट के लिए इसे हम और पकाएंगे। तो अब इसमें हम ये थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए घेवर को गार्निश कर लेते हैं। घेवर के ऊपर सबसे पहले हम चाशनी डालेंगे। घेवर में हमें चाशनी अच्छे से डालनी रहती है क्योंकि इसमें जो मिठास है वो चाशनी से ही आती है। अब इसके ऊपर रबड़ी की एक लेयर लगाएंगे हम। इसे चांदी के वर्क और बादाम पिस्ता से हम गार्निश कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ इसे मैंने गार्निश कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी।